हे गाइस, सिगाल चालो रे भाइयों। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं रेन सिमुलेटर। वैसे बहुत दिन बाद खेल रहे हैं। तो आप लोग को याद होगा, काफ़ी टाइम पहले मैंने अपना एक गैराज बनाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है, वैसे रंग बिरंगा सा है, नहीं बढ़िया लग रहा है यार गैराज तो अपना। तो इस गैराज के अंदर मैंने यहाँ पर दो गाड़ियाँ लगा दी हैं, और गैराज बनाने के बाद मैं गया था भाई कार शोरूम में एक गाड़ी खरीदने, और वहाँ पर अपने पास हो गए थे पैसे ख़त्म। बट भाई मैंने दिन रात मेहनत करी, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, और अभी मेरे पास है यहाँ पे टोटल $9,000, मतलब रेन सिमुलेटर का काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो आज हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं जो हम लोग उस दिन ही कर पाए थे। तो उस दिन तो हम लोग सिर्फ एक गाड़ी खरीदने गए थे, बट आज मैं उस कार शोरूम के अंदर से सारी की सारी गाड़ियाँ खरीदने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और मुझे पता है कि यार काफ़ी टाइम बाद मैं रेन सिमुलेटर खेल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके यार जरूर बताना कि मुझे और भी रेन सिमुलेटर के एपिसोड बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। वैसे यार बनाएंगे यार, मज़ा आता है रेन सिमुलेटर खेलने में भी, तो लाइक यार जरूर कर देना। वैसे यहाँ पर रात हो चुकी है और मुझे सोना भी होगा, और मैं इतने दिन बाद आया हूँ तो यार मैं अपने एनिमल से तो ज़रूर मिलूंगा, बस ये मर भर ना आ गए हूँ क्योंकि यार मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हो चुके हैं और ये बेचारे मर गए हैं। देखो यहाँ पे एक मरा हुआ है, यहाँ पे एक मरा हुआ है, भाई ये सारे के सारे मेरे वजह से ही मरे हैं क्योंकि इनके पास खाना खत्म हो गया होगा, खाना पानी दोनों यहाँ पे खत्म हो गया है। तो तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम लोग के लिए खाना और पानी दोनों लेकर आ रहा हूँ। तो एक सेकंड रुको यार, पानी के लिए तो मैं एक काम करता हूँ, जो कंटेनर होता है ना उसको यहीं पर उठा के ले आता हूँ, एंड खाना तो यहाँ पर रखा है। तो वीट वगैरह भी मेरे को लेकर आना पड़ेगा, और वीट ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लेकर आना है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम लोग ट्रेलर वगैरह भी खरीद लें, उससे क्या होगा हम लोग बहुत सारा वीट लेकर आ जाएंगे। इसके अंदर भी चिकन यार मर गए होंगे क्योंकि भाई वहाँ पे भी खाने की कमी हो गई थी, तो मैं और भी लेकर आता हूँ। और आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा वीट वगैरह इनके लिए रख दूंगा। और मेरे अंदर पिग्स हैं, काव है, तो मुझे उनसे भी मिलना पड़ेगा भाई, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी बस मर ना गए हो, नहीं तो अपना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो पहले मैं इनको वीट दे देता हूँ, मतलब पहले मैं इनको खाना वाना दे देता हूँ, उसके बाद मैं इन लोगों को पानी भी ले जाकर दे दूंगा। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी अंडे देने वाली मुर्गी और मुर्गा दोनों मर गए हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी मर गए हैं, तो मुझे चिकन और भी लेकर आने पड़ेंगे यार, मेरे को इनके लिए पानी वगैरह रखना पड़ेगा ताकि इन लोगों को खाना और पानी दोनों मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को खाना दे देता हूँ और इनका पानी का भी इंतजाम करूंगा। उससे पहले लाइट ऑन करो, क्योंकि लाइट यार अपने ने बहुत ज़्यादा लगा रखी है, तो बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं है, लाइट ये बहुत ज़्यादा जलानी है। मैंने यार पानी वाला कंटेनर कहाँ पे रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक काम करते क्यों ना हम लोग पानी लेकर ही आ जाएं। होगी तो गाइस, अभी मैं पानी का कंटेनर भाई यहीं पे लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरे को इसमें पानी भरना है, और दोनों जगह मेरे को पानी देना है, मेरे को यहाँ पे भी पानी देना है, दूसरी साइड भी पानी देना है। तब तक मैं सफाई कर लेता हूँ, जितने भी ये चिकन वगैरह मर गए हैं, तो यार इसको तो मैं बाद में सेल कर दूंगा, बट अपना यार काफ़ी भारी नुकसान हो चुका है यार, अपने इतने बड़े बड़े चिकन मर गए। तो पहले मैं पानी ले आता हूँ, और ऐसे वाले ना मैं कंटेनर और भी यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। अंडे भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो अंडों को तो मैं उठाऊँगा नहीं क्योंकि इनमें से बाद में बच्चे निकल जाएंगे। और यहाँ पे ये बड़ा वाला चिकन भी मर गया, देख रहे हो भाई कितना हट्टा कट्टा, कितना मोटा है, और इनकी पॉटी वगैरह भी भाई साफ कर देता हूँ। और ये देखो भाई, ये चिकन भी मरने ही वाला था, इसकी हेल्थ देख रहे हो तुम भाई, इसकी हंगर बार और भाई सब कुछ कम हो गया है। ओके, तो पानी मैंने इसके अंदर भी डाल दिया, इसको यहाँ पे रखो, एंड यहाँ पे मुझे सफाई करनी पड़ेगी, और मैं ना रात में ही सफाई कर लेता हूँ क्योंकि दिन में तो ये मेरे को बिल्कुल सफाई करने ही नहीं देंगे। और यहाँ देखो यार, जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे सारे के सारे ही मर गए हैं, ये वाला भी मर गया, ये वाला भी मर गया। इस वाले चिकन को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, और ये देखो ओके, ये सो रहा है भाई, ये मरा नहीं है, वो सो रहा है, मैंने सोचा कि वो मर गया यार। होगी तो अभी यहाँ पे सफाई वगैरह भी हो चुकी है, मैंने पानी वगैरह भी दे दिया है, तो यहाँ की भी लाइटें ऑन कर देते हैं। एंड एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग चलते हैं भाई अपने एनिमल बांध के अंदर। बांध के अंदर यार देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि वहाँ पे भाई अपने मेन एनिमल्स हैं। तो लाइटें पहले ऑन करो और इसको खोल के चेक कर लो। तो यहाँ पे एक सेकंड रुको, ये सो रहा है क्या मुझे, हाँ ये सो रहा है, ये भी सो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई मरा नहीं है, सारे के सारे लोग जिंदा हैं, मुझे नहीं पता यार कोई मरा नहीं मरा है, मेरे को सुबह देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्स हो गए यार, मेरे पास पिक्स बहुत ज़्यादा कम थे, बट अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और ये वाली गाय देख रहे हो भाई, रात में भाई चौकीदारी कर रही है, भाई सो जा भाई। तो मैं काम करता हूँ, पहले इन लोगों के लिए भाई खाना वाना यहाँ पे रख देता हूँ, और ये ऑटोमेटिक बनाने का ये फ़ायदा तो हो गया कि इनके पास भाई खाने की कोई भी कमी नहीं हुई। एंड यहाँ पर भी मैं पहले पानी वानी भर देता हूँ।
होगी तो वो भी मैंने इनके लिए खाना और पानी दोनों का इंतजाम कर दिया है। तो यार देखो अपने पिग्स और काओ तो नहीं मरेंगे, उनको खाना मिल जाएगा, बाकी मैं फटाफट से सो जाता हूँ। होगी तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है तो जल्दी से हम लोग उठ जाते हैं क्योंकि आज मेरे को काफी सारे काम करने हैं। तो अभी हम लोग फिर से अपने एनिमल बार में चलने वाले हैं, वहां चल के मैं देख लेता हूँ कि वहां पे कोई पिग यार मरा तो नहीं है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, मेरे को सारे के सारे पिग जिंदा ही लग रहे हैं, बट मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। और पिग एक बार तुम लोग देख रहे हो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं, इन लोगों ने फिर से भाई बच्चे दे दिए और यहाँ पे बहुत सारे पिग हैं। भाई अपना बिजनेस ना बहुत ज्यादा तेजी से चलने वाला है, अपने पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, बस ये ऐसे ही बच्चे देते रहे। तो यहाँ पे तो सारे के सारे ये जिंदा है। अभी हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, बाहर ना निकल जाना, ये बहुत बड़ा पिग है। बाकी अभी मेरे को कार शोरूम पे चलना पड़ेगा, मैं पहले काम करता हूँ। कार शोरूम पे हम लोग नहीं जाते हैं, पहले हम लोग चलते हैं जनरल स्टोर पे क्योंकि वहां से हम लोग कंटेनर वगैरह लेकर आएंगे। कंटेनर नहीं, हम लोग को लेना है ट्रेलर, और वो जनरल स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो हार्डवेयर स्टोर पे मिलेगा। तो पहले मेरे को हार्डवेयर स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां से मैं एक ट्रेलर लेकर आऊंगा। एंड काफी ज्यादा मैं वीट लेकर आने वाला हूँ अपने चिकन के लिए। तो यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं और सीधे हार्डवेयर स्टोर चलते हैं। होगी तो गाइस अभी हम लोग हार्डवेयर स्टोर पहुंच चुके हैं, फटाफट से चल के भाई ट्रेलर बाय कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एक भालू भी होगा जिसको मैंने सेल नहीं किया था, तो काफ़ी दिन पहले मैंने इसको मारा था और ये तब से यहीं पे पड़ा हुआ है। तो यार इसको भी मेरे को सेल करना है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अपने ट्रेलर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। वैसे हमारा ट्रक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार घास काटने वाली मशीन भी हम लोग यहाँ से कोई ना कोई यार खरीद लें। तो हमारे यहाँ घास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं एक बाद में मशीन भी ले लूँगा, बट अभी मेरे को एक ट्रेलर लेना है। तो पहले हम लोग को बाय में जाना है एंड यहाँ पे देखना है, यहाँ पे स्मॉल ट्रेलर है एंड यहाँ पे कार ट्रेलर है। तो कार ट्रेलर तो मैं अभी लेने वाला नहीं हूँ, स्मॉल ट्रेलर ले लेते हैं, ये अभी अपने काम आ जाएगा। कार ट्रेलर हम लोग बाद में लेंगे, तो पहले मैं इसको बाय कर लेता हूँ। और एक सेकंड रुको, मेरे को एक और चीज़ लेनी है, मेरे को लेना है यहाँ पे वाटर टैंक, दो वाटर टैंक ले लेता हूँ, इन दोनों से मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि चिकन के लिए नहीं तो मेरे को बार बार यार पानी लेकर आना पड़ता है। मैं एक काम करूँगा, ये वाटर टैंक मैं वहीं पर रख दूँगा, ये दोनों हो जाएंगे चिकन के लिए। पर यार एक काम करते हैं, ये स्मॉल ट्रेलर को हम लोग लेकर कैसे जाएंगे, सेकंड मैं देखता हूँ इसको। ओके तो ये उस साइड में घूम रखा है यार, इसको ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले इसको खोलो और इसको मेरे को अटैच करना पड़ेगा अपने ट्रक के अंदर। होगी तो अभी मैंने ट्रक के अंदर ट्रेलर को अटैच कर दिया और ये छोटा ट्रेलर लेकर मुझे लगता है कि यार मैंने सही किया है, क्योंकि अभी मुझे ना बड़े ट्रेलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को गाड़ी वगैरह लेकर नहीं जानी है। वैसे मेरे को आज गाड़ियाँ तो खरीदें यार, मेरे को बड़ा ट्रेलर लेना ही पड़ेगा। पर अभी हम लोग इसको लेकर चलते हैं, मेरे को इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा वीट लेनी है। तो अभी हम लोग यहाँ से पहले जनरल स्टोर चलेंगे, वहाँ से वीट वगैरह लेंगे, उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं भाई अपने घर पर। होगी तो गाइस अभी हम लोग जनरल स्टोर पहुँच चुके हैं और आज का वेदर यार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और हवा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है। अरे काम करता हूँ कि इस वाले वीट के पहले बोरे को इसके अंदर रख देता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कब खरीदा था, बट यहीं पे रखा हुआ है। चार पांच और भी खरीद के लेकर आ जाता हूँ। और ये गेम हल्का फुल्का भाई लैग कर रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा लैग क्यों हो रहा है। तो चार पाँच हम लोग खरीदे, छः खरीद लेते हैं। ओके तो छः वीट के मैंने यहाँ पे बोरे यहाँ पे ले लिए, अभी हम लोग इन सबको लोड कर देते हैं। होगी तो सारे वीट को मैंने अभी ट्रक के अंदर लोड कर दिया, मतलब ट्रेलर के अंदर लोड कर दिया। ये वाला ट्रेलर मुझे लगता है इसी काम में आएगा कि वीट वगैरह को और चिकन को जब मेरे को लेकर आना पड़ेगा सेल करने, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कार ट्रेलर से तो मुझे लगता है सिर्फ हम लोग कार ही ले जाएंगे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। होगी तो गाइस अभी मैं अपने रेंच पे पहुंच चुका हूं, तो मैं काम करता हूं, सारी की सारी वीट को मैं चिकन के घर के पास पहुंचा देता हूं। और बहुत जल्द मैं चिकन के घर को भी यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने वाला हूं, और भी बहुत सारे चिकन लेकर आऊंगा, मतलब लेकर के आने अभी तो अपने पास वैसे ही बहुत ज़्यादा चिकन हो जाएंगे। मैं दो तीन बोरे को यहाँ पे रख देता हूँ एंड दो दो बोरे दोनों साइड रख देता हूँ, इससे अपना काम हो जाएगा। और जो पानी के कंटेनर है, मतलब जो पानी के टैंक है, उसको मैं एक को यहाँ पे रख देता हूँ, एक तो पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इसको भी यहाँ पे रख दो, इसको साइड में रख दो। ये चिकन वगैरह ये अंडे हो गए, इनको मैं लेकर बाद में चले जाऊँगा। अंडों को भी मैं सेल कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा अंडे नहीं रखने मेरे को, थोड़े अंडे से काम हो जाएगा, उनसे मेरे को अपने आप मतलब चिकन वगैरह मिल ही जाएंगे। अंदर देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिकन मेरे को लग रहा है कि एक आध बच्चा और यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया एंड एक और है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, चिकन भी हो जाएंगे, तो अपने को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। होगी तो अभी मैंने इस वाले ट्रक को यहाँ पे खड़ा कर दिया, इसके अंदर वीट वगैरह रखी हुई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार एक स्टोरेज रूम भी जल्दी बनाया जाए, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वीट वगैरह टैंकर वगैरह ला के रख दूंगा। इससे क्या होगा, अपने को बार बार जनरल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा। तो स्टोरेज रूम मैं यहाँ पे या फिर कहीं ना कहीं पे बना लूँगा, मतलब बड़ा सा एक स्टोरेज रूम बना लूँगा जिसके अंदर मैं वीट वगैरह रख पाऊँ, चिकन वगैरह मतलब अंडे ये सारी चीज़ें रख पाऊँ। और इन सबको भी मेरे को साइड में करना पड़ेगा। और मेरे को ना अभी गराज के लिए
मतलब गाड़ियाँ भी लेकर आनी है, और मैं सोच रहा हूँ ना सारी की सारी गाड़ियाँ ही ले लूँ, क्योंकि यार देखो मेरे को गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, बट सबसे पहले मेरे को बड़ा वाला ट्रक लेकर आना है, और मैं अभी पैदल ही जाने वाला हूँ क्योंकि जो कार शोरूम है मेरे घर के ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो अभी चल के पहले बड़ा वाला ट्रक लेकर आते हैं, और इसको भी हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। होगी तो गाइस सभी हम लोग कार शोरूम पे पहुंच चुके हैं, और ये जो कार शोरूम के ऊपर यार बैंक है ये पता नहीं कब खुलेगी, मेरे को इससे लोन भी लेना है क्योंकि मेरे पास भाई बहुत सारी चीज़ें बनानी है, और मैं ना ये वाली गाड़ी भी खरीदूंगा क्योंकि मेरे को ये वाली गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी थी। पहले यार देखो अपडेट से पहले हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ तो ले ली थी, बट अपडेट के बाद अपनी सारी गाड़ी चली गई, सारा पैसा चला गया, तो अपने को नई नई गाड़ियाँ भी लेनी, मतलब नई नई क्या सारी गाड़ी लेनी है, बट उससे पहले मेरे को इस वाले ट्रक को लेना पड़ेगा, एंड ये मेरे को मिलेगा $2,500 का, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, एंड उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे कार ट्रेलर लेकर आना पड़ेगा गाड़ियों को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि यार देखो मेरे पास ओके एक मिनट रुको, ये मेरे पास ये भी नहीं है मेरे पास, ये ले लिया मैंने, ये नहीं लिया, तो गाड़ियाँ मुझे काफ़ी सारी लेनी है, तो एक काम करते हैं पहले अपने पास जो बड़ा वाला ट्रक है उसको लेकर चलते हैं, उसको घर पर खड़ा करके आते, देख रहे हो भाई ट्रक काफ़ी ज़्यादा सही, हम लोग इस ट्रक को ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो ट्रक को ना मॉडिफाई और कलर वगैरह तो मैं बाद में करूँगा, और ये अच्छी चीज़ है कि कार शोरूम हमारे घर के बिल्कुल सामने है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मेरे को लगता है कि ना हम लोग को फिर से हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा, एंड वहाँ से ना जो कार ट्रेलर है उसको भी लेकर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग गाड़ियाँ लोड करके आएंगे, और बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो एक साथ ही लोड होकर आ जाएंगी। तो रेंच पर हम लोग आ चुके हैं, और देख रहे हो खतरनाक वाली टक्कर हो गई, तो फटाफट से चल के ट्रक को हम लोग लगा देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये गैराज में आएगा या नहीं आएगा, मेरे को बड़ा सा एक और गैराज बनाना पड़ेगा, मतलब इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो पहले इसको अंदर लेकर चलते हैं, और ये नहीं आ रहा भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्रक है, तो इसके हिसाब से मैं बाद में एक गैराज बना लूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, इसको अभी मैं साइड में लगा लेता हूँ, बहुत सही, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, एंड अभी मेरे को कार ट्रेलर लेकर आना है, और मुझे नहीं लगता कि कार ट्रेलर इस वाली गाड़ी से आ पाएगा, उसके लिए मेरे को लेकर जाना पड़ेगा बड़ा वाला ट्रक, तो अभी उसको लेकर चलते हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ से निकाल देते हैं, और बड़े वाले ट्रक को लेकर आते हैं, इसको पहले यहाँ से निकालो, बहुत सही होगी। तो गाइस अभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यार इस वाली गाड़ी के अंदर तेल ही नहीं है, तो मेरे को देखना पड़ेगा, ओ भाई ये तो अच्छा है कि मेरे पास भाई तेल घर में पड़ा हुआ था, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती, तो पहले मैं तेल को डाल देता हूँ, एक काम करते हैं इसको ना लगे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तेल भी डलता रहेगा और अपना ट्रक भी चलता रहेगा। होगी तो गाइस अभी मैंने कार ट्रेलर को ले लिया, और ये रहा कार ट्रेलर, और ये कहाँ घुसा हुआ है भाई, भाई देख रहे हो खंबे के अंदर घुस गया है, और ये पता नहीं कहाँ पे है, मुझे नहीं पता ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरे को देखना पड़ेगा भाई बैक करके, भाई ये निकल जाए तो सही है। सेकंड को इसको हम लोग पहले अटैच करते हैं, और मुझे नहीं लगता, ओ भाई अटैच तो हो गया, बट मुझे नहीं लगता है भाई ये निकलने वाला है, गाड़ी आगे से उठ रही है भाई, तब ये निकलेगा नहीं, पहले मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये चीज़ तो काफ़ी दिक्कत देगी यार मेरे को। ओ भाई ओ तेरी एक सेकंड रुको भाई, ये देख रहे हो भाई कहाँ पे चढ़ गया, ये कार ट्रेलर देख रहे हो भाई, अलग ही दुनिया में, मैं इसको निकालने का पूरा ट्राई करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि निकलने वाला है भाई, ये तो अलग ही फंस गया। सेकंड रुको इसको भाई निकालने का ट्राई करते हैं, होगी तो गाइस मुझे लगता है कि शायद अभी निकल जाएगा ये, बट देख रहे हो कितना ज़्यादा पर ये चला गया है। ओके भाई मेरी गाड़ी की हालत देखो भाई, गाड़ी पहली बार ऐसी मैंने देखी रेंज सिमुलेटर के अंदर, देख रहे हो क्या हालत हो गई गाड़ी की, छत के ऊपर मैंने ट्रेलर को बचा दिया है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई, ये देख रहे हो ट्रेलर कहाँ खड़ा हो गया छत के ऊपर जाके, तो मुझे नहीं लगता कि यार गाड़ी इससे निकलने वाली है, गाड़ी मेरे को निकालना पड़ेगा, इसको और ऊपर करने का ट्राई करते हैं, बहुत सही, निकल जा ओ निकल गया शायद निकल गया, अब निकल जाना, अब यार वो तो निकल गया बट गाड़ी शायद फंस गई, अब शायद अभी निकल जाएगा ये, भाई क्या हो रहा है निकल जा, अरे आ जा भाई। होगी तो गाइस फाइनली मैंने कार ट्रेलर को बस निकाल ही लिया है, थोड़ा सा रह गया, आ जा आ जा आ जा आ जा, ओके फाइनली भाई ये निकल गया है भाई, देख रहे हो कहाँ पहुँच गया था, बट भाई फाइनली अपना ट्रक यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे मैंने कार ट्रेलर को निकाल लिया है, अभी मैं इसको कार शोरूम पे लेकर चलता हूँ, एंड वहाँ से चलकर भाई गाड़ियाँ लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको ले जाने में भी यार देखो थोड़ी दिक्कत हो रही है। होगी तो अभी हम लोग कार शोरूम पे तो आ चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कार शोरूम के आगे हम लोग अपने कार ट्रेलर को लगा लेते हैं, क्योंकि यहीं पे गाड़ियाँ आती हैं और यहीं से मैं गाड़ी को लोड करूँगा और सीधे अपने घर पे लेकर चले जाऊँगा, एक काम करते हैं पहले इसको खोल लेते हैं, बहुत सही, और अभी चल के गाड़ियाँ लेते हैं। वैसे मेरा प्लान है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैं सारी की सारी गाड़ियाँ ले लूँ, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, शायद ये वाली गाड़ी है ना मेरे पास, पहले तो मैं इसको लेने वाला हूँ, $600 की है, बस $600 यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास पैसा भी पैसा है, पैसे कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने खरीद लिया, ये $800 वाली मैंने नहीं लिया, इसको भी मैं ले लेता हूँ,
और देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी गाड़ियाँ जो मेरे पास नहीं है, ये भी मैं ले लेता हूँ। मेरे तो मेरे इधर उधर जाने के काम आ जाएगा, थोड़ा इधर उधर घूमने के काम आ जाएगा। तो ये ATV मैंने ले लिया, ये मेरे पास पहले से है, ये भी मेरे पास पहले से है। एक मिनट रुको, कौन सा मेरे पास मुझे नहीं पता, ये वाला है या फिर ये वाला है, मुझे ये नहीं पता, शायद ये वाला ही है मेरे पास, मैं बाद में इसको देख लूंगा। ये मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, इसको मैंने ले लिया ना $800 का, हाँ इसको भी मैंने ले लिया है। तो बहुत सही, ये चीज़ सही। एक यार एक सेकेंड, ये वाली गाड़ी नहीं है मेरे पास, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये शायद घूमने वाली गाड़ी है, तो इसको मैंने ले लिया। मतलब यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ मैंने आज सारी गाड़ी फाइनली ले ली है अपने पास भाई, गाड़ी गाड़ी हो। अबे ये कहाँ लोड हो रखा है भाई, ये देख लो कहाँ रखा है भाई, इन लोगों ने सीधे गाड़ी को मेरे ट्रेलर के अंदर ही लोड कर दिया भाई। गाड़ी को पहले मैं यहाँ से लेकर निकालता हूँ, निकल जा निकल जा निकल जा। अबे ये तो निकल ही नहीं रही, इसका टायर कहाँ गया, अबे इन लोगों ने इस गाड़ी का टायर ही नहीं दिया है भाई, इन लोगों ने खराब गाड़ी मेरे को भी। अच्छा नहीं, टायर है टायर है, टायर नीचे था भाई, टायर नीचे था, मुझे लगा इन लोगों ने मेरे को खराब गाड़ी भेज दी भाई, इस पर तो केस कर देता अगर मैं खराब गाड़ी दे देता। तो इसको तो हम लोग बाद में लेकर जाएंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पहले मेरे को ना छोटी छोटी गाड़ियाँ चढ़ानी है, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे मैं इसको ऊपर चढ़ा देता हूँ। अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है यार, ये तो मेरे काम आएगा इधर उधर जाने में, तो पहले इसको आराम से ऊपर चढ़ा लो भाई, इसको चढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, इसको मैंने चढ़ा दिया, एक और गाड़ी आ जाएगी, तो एक काम करते हैं इस वाली गाड़ी को भी हम लोग चला देते हैं, छोटी सी गाड़ी है, और वहाँ पे देख रहे हो अपने पास एक और छोटी गाड़ी है। तो अपने ने अपने तो मुझे लगता है मैंने सारी गाड़ियाँ ले ली, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें सारी की सारी गाड़ी। अभी ये तो चढ़ेगा ही नहीं भाई, इसके अंदर तो पिकअप ही नहीं है, ये तो चढ़ने वाली नहीं है। अभी ट्राई करते हैं दूसरी, अगर ये वाली गाड़ी चढ़ जाए तो। ये तो मिस्टर बीन वाली गाड़ी लग रही है, जो मिस्टर बीन लेके घूमता है वैसी गाड़ी लग रही है। ओके, तो फाइनली ये गाड़ी तो चढ़ गया, अभी चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। अभी चढ़ ही नहीं रही है, गाड़ियों के अंदर पिकअप ही नहीं है यार ये गाड़ी भाई, मैंने कैसी कैसी गाड़ियाँ ले ली हैं, देख लो चढ़ ही नहीं पा रही, फाइनली चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। बहुत सही, अभी हम लोग इसको यहाँ से बंद करते हैं, और अभी इन दोनों गाड़ियों को तो मैं फाइनली पहुँचा देता हूँ अपने घर पे। सारी गाड़ियों को मैं एक साथ खड़ा करूंगा, बाद में मैं एक गराज बनाऊंगा और सारी की सारी गाड़ियों को एक साथ ही खड़ा करने वाला हूँ। अभी ये कहाँ पर दिख रहा है, कौन से एंगल से देख रहे हो भाई, आगे वाले एंगल से मेरे को देखना पड़ेगा। बहुत सी आराम से आराम से आराम से भाई, गाड़ियाँ नीचे ना गिर जाएँ। होगी तो अभी हम लोग फिर से भाई रेंच पे पहुंच चुके हो, और यहाँ पे भाई वैसे रात हो गई है, तो एक काम करते हैं पहले इस वाले ट्रेलर को यहीं पे रोक लेते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, और गाड़ियों के इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाली गाड़ियाँ तो गैराज में आई जाएंगी, ये छोटी गाड़ियाँ इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाड़ियों को भाई लेकर चलो गैराज के अंदर, ये गाड़ियाँ गैराज में ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है, बस इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी भाई फिर से अटक गए यार, ये वाली गाड़ी अभी कहाँ फंस रही है, मतलब गाड़ी का पिकअप देख रहे हो यार, गाड़ी का पिकअप ही नहीं है भाई, फाइनली चढ़ गई चढ़ गई। अबे यार बीच में अटक गई है, होगी तो अभी मैंने गाड़ी को तो इसमें चढ़ा दिया, इस वाली गाड़ी को मैं यहाँ पे खड़ा करने वाला हूँ। अभी मैं निकल क्यों नहीं पा रहा, निकल जा निकल जा निकल जा। और जो ये ATV स्कूटर है इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसको भी मैं गराज में लगा देता हूँ, क्योंकि ये भी आराम से गराज में आ जाएगा, इसका पिकअप तो यार काफ़ी ज़्यादा है, ये तो आराम से चढ़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको चढ़ाने में। इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अभी और भी जगह है यहाँ पे, और भी गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो अभी मैं एक काम करता हूँ पैदल चलता हूँ, एंड उनमें से जो दो गाड़ियाँ बची उन दोनों गाड़ियों को भी लेकर आता हूँ। होगी तो गाइस अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं कार शोरूम पे, तो ये खड़ी अपनी गाड़ियाँ, तो पहले मैं ना इस वाली गाड़ी को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये गाड़ी में ना पिकअप बहुत ज़्यादा कम है, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्लो भी चल रही है, मुझे नहीं पता कि यार इन वाली गाड़ी को हम लोग मॉडिफाई करा सकते नहीं करा सकते हैं। और फिर रुक 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 भाई, एकदम से इसने पिकअप भी पकड़ लिया, मतलब गाड़ी का ना बैलेंस ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, चल तो काफ़ी सही रही है, देख रहे हो 40-50 की स्पीड से चल रही है, वो भी आराम से। होगी तो अभी हम लोग इस वाली गाड़ी को भी रेंज पे लेकर आ चुके हो, और इस गाड़ी से भाई देख रहे हो मैंने 360 भाई घूम के यहाँ पे पूरा घूम गई गाड़ी। इस वाली गाड़ी को भी मैं अंदर लगा देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि यार ये वाली गाड़ी चढ़ने वाली है, तो इसको मेरे को साइड में लगाना पड़ेगा। जो गाड़ियाँ चढ़ेंगी ना मैं उनके लिए एकदम अलग से गराज बना दूंगा, उनके लिए मतलब नीचे खड़ी कर दूंगा, एंड जो गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी उनको मैं गराज में लगा दूंगा। बाकी रात हो गई है तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले हम लोग सो जाते हैं। होगी तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी हम लोग फिर से चलते हैं कार शोरूम पे, और जो हमारी लास्ट गाड़ी बची है उसको भी लेकर आ जाते हैं। और देख रहे हो मेरे घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा हिरन आ रहे हैं, तो वैसे मैंने ना काफ़ी ज़्यादा हिरन का शिकार किया था, बहुत ज़्यादा भालू को मारा था पैसे वैसे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि यार देखो रेंज सिमुलेटर में हम लोग दो ही तरीके से पैसे कमा सकते हैं, या तो बिजनेस मतलब अपने स्टार्ट कर दें, या फिर शिकार करके भाई पैसे कमाएं। तो मेरे को ना बिजनेस वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि उससे हम लोग को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो और तुम्हें बाद में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। होगी तो गाइस ये खड़ी अपनी लास्ट गाड़ी, तो इस गाड़ी को भी हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं।
ये गाड़ी मुझे लगता है काफी ज्यादा सही है चलने में। ओके, तो इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड चलने में भी ये गाड़ी काफी ज्यादा सही है, तो मैं घूमने के लिए इसी गाड़ी का यूज करने वाला हूँ। अभी हम लोग इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधे गैस स्टेशन, वहां से मैं ना पूरा का पूरा टैंक फुल करके आता हूँ। तो गैस स्टेशन कहाँ पे, ये रहा गैस स्टेशन। तो पहले गैस स्टेशन चलते हैं, इस गाड़ी में पूरा मतलब टैंक फुल करा लेंगे, क्योंकि अपने को कहीं पे भी जाना पड़ेगा, हम लोग को व्हीट लेने जाना है या फिर हम लोग को कार ट्रेलर कहीं पे भी लेकर जाना होगा। तो मैं इसी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि ये गाड़ी चलने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो हम लोग को गाड़ी को बस थोड़ा सा पीछे करना है और इस साइड में यहाँ पे लगा लेना है, अभी एकदम सही है यार। अपडेट में ना यहाँ पे कुछ लोग भी आने चाहिए जो तेल ना अपने आप भरें, हम लोग को ना भरना पड़े, क्योंकि हम लोग भरते हैं उसके बाद यार देखो हमारे पैसे भी कट रहे हैं, या तो तेल भर के सीधे यहाँ से भाग जाते तो ज़्यादा सही रहता। अपडेट में ना यहाँ पे 3-4 लोग भी आ जाओ और ये ना शॉप वगैरह खुल जाए। वैसे ये क्लोज है बट मुझे लगता है कि अपडेट में ना ये सारी शॉप वगैरह खुल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं इसके अंदर अपडेट के बाद, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस टाइम पर। तो बाकी अभी हम लोगों ने गाड़ी के अंदर भाई पूरा तेल वगैरह भर लिया है, अभी हम लोग को चलना चाहिए अपनी रेंच पे और चल के मैं तुम लोग को अपनी सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ कि हमारे पास भाई कितनी गाड़ी हो चुकी हैं। वैसे गेम की हम लोगों ने सारी गाड़ियाँ ही ले ली हैं जितनी भी मतलब गेम के अंदर गाड़ियाँ होती हैं, और उन सारी गाड़ी को देखो अपने को यूज़ होगा। देखो ट्रेलर का और बड़े बड़े जो ट्रक हम लोगों ने लिए हैं उनका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि हम लोग को बार बार जाना पड़ेगा यार बर्गर शॉप पे सेल करने या फिर मैं जाऊँगा जनरल स्टोर पे। होगी तो गाइस अभी हम लोग रेंच पे आ चुके हैं, तो ये खड़ी है भाई अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ। ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, ये वाली गाड़ी और वो वाली गाड़ी दोनों एक जैसी गाड़ियाँ यार। ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है एंड अंदर के साइड 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 बाहर हैं, मतलब 5, 6 और 7, मतलब टोटल हमारे पास 7 गाड़ियाँ, 2 ट्रेलर हम लोगों ने खरीदे हैं, मतलब रेंज सिमुलेटर की हम लोगों ने सारी गाड़ियाँ खरीद ली। और अभी अपने पास कितना पैसा है, ओके तो हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा है, $2,700 बचे हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, जो अपने पिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। जैसी बर्गर शॉप पर मतलब पिक्स का रेट सही चलेगा मैं जाऊंगा और सबको सेल करके आ जाऊंगा। अबे बाहर मत निकल जाना, बच गया बच गया बच गया भाई, ये बाहर निकल जाती है, ये देखो कितने ज़्यादा पिग हो गए। तो अपने को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पिक्स ही पिक्स हो गए, मैं इनको भी बहुत जल्द भाई सेल करने वाला हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा गैराज बना लेते हैं और एक स्टोरेज रूम भी बना लेते हैं। और ये देख रहे हो भाई, अबे 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 हिरन ने भाई इसको कहाँ से कहाँ टक्कर मार दी। रुक बेटा अभी मैं तुझको बताता हूँ, पहले मैं रीलोड कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ ना आजकल इनको मारे ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार देखो मैं इनको ना एक साथ ही मारता हूँ, पर ये ना मेरे घर के अंदर घुसा जा रहा है तेरी ऐसे की तैसे। रुक जा, ओके तो मैंने इसको यहाँ पे खत्म कर दिया है, तो मैं इसको बाद में बेच कर आ जाऊंगा। बाकी यार आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोगों को रेंज सिमुलेटर का वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।